गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक 12वीं पास लड़की का एक ऐसा मामला लेके आए हैं जो कि दिमाग से काफी ज्यादा शातिर है। उसने एक्चुअली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की को झांसे में फंसाया और उसके बाद शादी के दिन में ही खुल गया उसका पोल। चलिए जानते हैं आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। आप लोगों के लिए भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग मैट्रिमोनी साइड पे अगर आप अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। हालांकि इस वेबसाइट के थ्रू काफी सारे लोगों को जीवन साथी भी मिला है, पर इसी के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी इतनी हाई हुई है उसके साथ साथ अपराध भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैट्रिमोनी साइट से लेके ही हमारे पास ये अपडेट आई है जहाँ पर अपराध की ये बड़ी घटना एक्चुअली में अंजाम को चढ़ाया गया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो मामला है हमारे सामने राजस्थान से आया है, या तो हम ये बात बोले कि ये मामला हर जगह से आया है, क्योंकि एक ऐसा लड़का है जो कि 12वीं पास है और उस दौरान ही वो अखिलेश उर्फ अकुल गुज्जर के नाम से जाना जाता है। इसने काफी सारी लड़कियों को अपने झांसे में फंसाया है और काफी सारी धोखाधड़ी की है। इस बार ये प्रकाश में इसलिए आया क्योंकि वहां पर सामने लड़की जो थी वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बोलेंगे, या तो एक्चुअली में जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेने वाली बोलेंगे। आखिरकार इस अखिलेश ने जो कि राजस्थान से आया है, उसने मैट्रिमोनी साइट पे एक लड़की को झांसे में फंसाया जो कि एक्चुअली में एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातचीत होने लगी, एक दूसरे को पहचानने लगे, प्यार हो गया और इस दौरान ही इन्होंने शादी फिक्स कर ली। शादी फिक्स करने से पहले लड़की के परिवार वालों ने और लड़के सब लोगों ने पूछा कि आखिरकार तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं। उन्होंने ये चीज बताया कि उसके माता पिता जो है वो आखिरकार अमेरिका में रहते हैं, वो बहुत जल्दी जो है यहाँ पर आ जाएंगे। आए तो नहीं, और इस दौरान ही इसी बीच जो है जो सब चीजें डिसाइड हो गई, और डिसाइड होने के बाद लड़की ने लड़की को इतनी बात बोली कि उसको एक्चुअली में मैरिज हॉल जो है वो बुक करवाना है, इस वक्त उसके पास पैसे नहीं है, बाद में उसको दे देगा, तो वो जो है 7,65,000 उसको दे दे, जो कि एक्चुअली में लग रहे हैं पैसे। तो इस दौरान लड़की ने उसको पैसे वो दे दिए और उस दौरान ही लड़की और लड़की का परिवार जब वहां पर पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा, तो वहां पर जाने के बाद पता चला कि उनको सर्विस अच्छी नहीं मिल रही। और जब पूछा गया तब पता चला वहां के सर्विस डिपार्टमेंट से कि आखिरकार इन्होंने तो पैसे ही नहीं भरे हैं। तो जल्द से जल्द लड़की ने इसके बारे में पुलिस को बताया और पुलिस को बिना खबर दिए, लड़की को बिना खबर दिए पुलिस जब वहां पर पहुंची तब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि लड़का कोई इंजीनियर नहीं है, ये लड़का आखिरकार 12वीं पास है और इसने ऐसी काफी सारी चीजों को अंजाम दिया है जयपुर में, राजस्थान में और काफी सारी छोटी मोटी जगहों पर जहां पर ये छोटे मोटे काम करता है। आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। आप लोग ध्यान रखिए अपना, शादी करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है पर उसी के साथ साथ सतर्क रहना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।